Hello friends, welcome you all on my YouTube channel on environmental science. Today we will discuss numerical on thermal power. यह numerical UGC NET 2015 दिसंबर में पूछा गया था। दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरा चैनल के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और इसे रीड आउट करते हैं। अ थर्मल पावर प्लांट बेस्ड ऑन कोल प्रोड्यूसेस 100 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विद कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ 30%। इफ द एस कंटेंट इज 5% एंड हीटिंग वैल्यू इज 30 मेगाजूल पर केजी, हाउ मच एश इज प्रोड्यूस डेली। तो इसमें हमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 48 मेट्रिक टन, दूसरा ऑप्शन है 24 मेट्रिक टन, थर्ड है 19 मेट्रिक टन एंड फोर्थ है 60 मेट्रिक टन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच एश इज प्रोड्यूस्ड, कितना एश हमारा प्रोड्यूस हो रहा है जब हम कोल को बंद कर रहे हैं, और कोल में जो हमारा कंटेंट है एस का वो 5% है। तो बेसिकली हम इसमें अमाउंट क्वांटिटी ऑफ कोल दैट वी आर बर्निंग टू प्रोड्यूस द इनपुट एनर्जी फॉर दैट थर्मल पावर प्लांट, यानी कि हमें इनपुट एनर्जी के लिए जितना कोल बर्न कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम देखते हैं इसका, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो है कन्वर्जन एफिशिएंसी पावर आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 100 मेगावाट और हमें एफिशिएंसी दी है, ये एफिशिएंसी दी है 30%। तो हम इससे हम निकाल देंगे इनपुट पावर, इनपुट पावर निकाल देंगे हमारा आ जाएगा 333.34 मेगावाट, ये हमारा इनपुट पावर आ गया। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं वाट, वाट को हम लिख देते हैं इन टर्म ऑफ जूल, तो वन वाट, वाट बेसिकली कहते हैं यूनिट ऑफ पावर, पावर मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ गिवन टाइम। तो हमारा जो पावर है वाट, उसको हम लिखते हैं 1 जूल पर सेकेंड। तो हमने इसे जो हमारी यूनिट थी इनपुट पावर की, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मेगा जूल, जूल पर सेकेंड में। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि इन 1 सेकेंड ऑफ बर्निंग ऑफ कोल दिस मच ऑफ एनर्जी 333.34 मेगा जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो हम पूरा क्वेश्चन में बोला है कि हम एक दिन तक अगर हम कोल को बंद करेंगे तो कितना हमारा एस प्रोड्यूस होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, वन डे का निकाल लेंगे, अगर हम वन डे कोल बंद करेंगे तो हमारा कितना एनर्जी उससे प्रोड्यूस होगा। तो हमारा जब एक सेकंड में इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो वन डे में हम क्या करेंगे, यूनिटी मतलब लगा के जब थ्री इसको हम रखेंगे 33.34 मेगाजूल मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू 36007 सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो सेकेंड यहाँ पे हमारा जो था वो सेकेंड में था, तो इससे हमारा सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। तो जो हमारा है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है 288.00576 मेगा जूल। और जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 1 kg ऑफ कोल प्रोड्यूसेस द 30 मेगा जूल ऑफ एनर्जी, ये हमें कोल में गिवन है, तो हम इसको ले सकते हैं 30 मेगा जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 केजी ऑफ कोल। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो जो हमारी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना कोल रिक्वायर्ड होगा, तो हम जैसे हम यूनिटी मेथड में करते थे उस हिसाब से हम यूनिटी मेथड को यूज करके इतना मेगा जूल इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 डिवाइड बाय 30 मेगा जूल, 30 मेगा जूल के लिए से, तो मेगा जूल से मेगा जूल कैंसिल हो गया, तो हमें कितना मिला 960.019.2 केजी ऑफ कोल। जब हम इतना केजी ऑफ कोल बंद करेंगे तब हमारा 100 मेगावाट आउटपुट पावर मिलेगा विद द कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ 30%। तो अब उसमें हमारा जो इस कोल में है 5% हमारा एस कंटेंट है, तो हमें निकालना है बेसिकली एस कंटेंट। सिंस एस कंटेंट इज 5% सो टोटल एस प्रोड्यूस डेली इज 5% को मल्टीप्लाई कर देंगे 960.019 केजी ऑफ कोल से, तो जो हमारा एश प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 48,000
0.96 केजी। तो जैसे हमें पता है कि 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी, जैसे ये वाला ये हम यूज करके कन्वर्जन मेथड, तो हम इसे लिख सकते हैं 48 मेट्रिक टन। तो जो हमारा आंसर है 48 मेट्रिक टन हमारा एस प्रोड्यूस हो रहा है डेली इन 100 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इसके अलावा कोई भी और न्यूमेरिकल एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके हमसे उसका डिटेल सॉल्यूशन ले सकते हैं। धन्यवाद।